हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मिंत्रा शॉपिंग हॉल वीडियो। तो गाइस, बेसिकली मैंने मिंत्रा से 3 सूट्स मंगाए हैं जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इनकेस पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आते हैं प्रोडक्ट्स तो लिंक्स आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना। तो सबसे पहले हम बेसिकली बात करेंगे कि मिंत्रा की पैकेजिंग हमें किस तरीके से रिसीव होती है। सो एज यू कैन सी, कुछ इस तरीके से मुझे पेपर बैग्स में रिसीव हुए। पहले आई थिंक पॉली बैग टाइप में कुछ आते थे मिंत्रा की पैकेजिंग, अब थोड़ा वो चेंज हो गया। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सूट से। इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने 3 सूट्स मंगाए हैं जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। लुक एट दैट, कुछ इस तरीके से पूरा ब्लिंगी काइंड में ये सूट है जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा। एंड आई गेस इसमें कलर्स भी अवेलेबल थे, तो कुछ इस तरीके से पूरा इस पर यू नो इस पे सीक्वेंस वर्क हो रखा है। बात करें इसके ब्रांड की तो ये इंदोरा ब्रांड का है। एंड द प्राइस कॉस्ट इज जो इस पे टैग लगा है 3499 रुपीज़। माई साइज इज स्मॉल। जो भी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कितने प्राइस की है, मेरा साइज कौन सा है, वो आपको स्क्रीन पे डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि हर प्रोडक्ट में मुझे साइज डिफरेंट लेना पड़ता है कई बार, क्योंकि मैं साइज चार्ट जरूर चेक करती हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये सूट है और कुछ इस तरीके से एज यू कैन सी इस पे राउंड नेक दे रखा है, बहुत ही छोटा सा नेक है। प्लस साथ ही साथ इसके बाजू पे भी इस तरीके से वर्क हो रखा है। ये यहाँ पे इस तरह की बॉर्डरिंग है। और बात करें कि ये जो सीक्वेंस इस पे लगा हुआ है, पहनने के बाद आपको चुभेगा, इसे बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है। और मुझे पर्सनली इसका जो कलर है हर चीज़ पसंद आई। सो दिस इज दिस सूट। आफ्टर दैट अब बात करते हैं इसके पैंट है या प्लाजो। तो गाइज इसमें आपको साथ में पैंट मिल रही है ब्लू कलर की। एंड लुक एट दैट, कुछ इस तरीके से साइड में आपको पॉकेट मिल रही है, इसलिए आप मोबाइल कैरी कर सकते हैं। एंड प्लीज इग्नोर मेरा डल फेस, बिकॉज मैं अभी सो के उठी थी एंड आई थॉट मेरे को जब मैंने ये चीज़ में मंगाई है आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से पैंट है इसमें एंड मुझे परफेक्टली आई है। बात करें इसके दुपट्टे की, आपने अभी सूट के आगे डिजाइन देखा ना, उस टाइप में पूरा इसमें कढ़ाई, नॉट कढ़ाई, इट्स अ प्रिंट, तो प्रिंट टाइप में पूरा दुपट्टा दे रखा है। पूरा कॉटन का सूट है, गर्मियों में बहुत सुंदर लगने वाला है। तो फुल दुपट्टा इस पे है अंदर कॉटन में। सो दिस इज माय फर्स्ट सूट जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा। आफ्टर दैट यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट सूट है। अगेन इसकी पैकेजिंग सेम तरीके से है एंड इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है। तो इसके साथ भाई सबसे पहली चीज, ये पार्टी वेयर सूट है, वो भी पार्टी वेयर है बट वो थोड़ा ये इस टाइप का है कि आप उसको घर में भी वेयर कर सकते हो। तो साथ में मुझे इसके इस तरीके का मास्क मिला है, तो मैं मास्क भी इजिली वेयर कर सकती हूँ। मास्क पे इस तरीके से सीक्वेंस वर्क है, तो आप देखोगे बैक साइड पे अच्छे से सिक्योर है कि मुझे इरिटेट नहीं करेगा। एंड गाइस प्लीज़ इग्नोर माय बैकग्राउंड, बिकॉज मैं अभी अपने घर पे आई हुई हूँ और मैं यहीं से वीडियो शूट कर रही हूँ। यस, दैट्स द रीज़न कि बैकग्राउंड सेटिंग पूरी डिफरेंट है। एंड आई डोंट नो आपको लाइट भी कैसी लग रही होगी, सो मुझे कॉमेंट्स करके बताना, लाइटिंग वगैरह सब बराबर है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सूट की, तो इट्स अ पर्पल वाइन काइंड में सूट, नॉट परफेक्टली वाइन, इट्स अ पर्पल काइंड में कुछ करके सूट है। एंड इट्स अ सीक्वेंस वाला जोलजट में सूट, तो मैंने ये ट्राई करके देखा था और मुझे आई थिंक ये हल्का सा उस टाइम टमी पे टाइट हो रहा था। तो अभी मैं बहुत तगड़े वाली डाइटिंग कर रही हूँ तो शायद आ भी जाए मुझे ये। तो कुछ इस तरीके से वी नेक में है, ये नेक पे इस पर इस तरीके का सीक्वेंस वर्क दे रखा है और इस पर इस तरीके से पूरे पे डिज़ाइन हो रखा है। बात करें इसके बैक साइड पे तो अगेन वी काइंड में इसका डिज़ाइन है नेक का। तो आगे देखोगे छोटा नेक है, पीछे थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। बात करें इसकी स्लीव्स की, 3/4 स्लीव्स है, तो मुझे 3/4 थी मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है क्योंकि आधी बाजू मुझे अच्छी नहीं लगती। एंड बाजू में एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी कि अंदर इसमें इनर का यूज कर रखा है कि सीक्वेंस जो वर्क हो रखा है वो हमें इरिटेट ना करे। एंड द मेन चीज जो इसकी आती है वो है इसका डिजाइन, पूरा सेम डिजाइन है बट यहाँ पर जो घेरा आई थिंक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जो साइड में से कट होता है, वो इसका यहाँ पे चेस्ट से जस्ट नीचे जाके इसमें कट आ जाए। इसके बाद अब बात रही आती है इसके शरारा की, तो शरारा कुछ इस काइंड में है, बहुत सुंदर है ये, मुझे कलर वाइज बहुत सुंदर लगा। तो साइड में ना इसके इस तरीके से टैसल काइंड में वर्क दे रखा है इस तरीके से, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि साइड में जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें कट है और उस कट के चलते ये दिखने वाला है, ठीक है। तो पहले मुझे भी समझ में नहीं आया था कि ये क्यों दे रखा है लगता है। तो इसके बाद ये है मेरा शरारा, शरारे में घेरा पूरा है, नीचे इसमें इनर का यूज हो रखा है सी इस तरीके से ताकि आपको इरिटेट ना करे। एंड अगेन मुझे इसका शरारा जॉर्जेट, सॉफ्ट वाला जो जॉर्जेट आता है उसमें मुझे बहुत सुंदर लगा।
नेक्स्ट इसके बाद इसकी जो दुपट्टा है वो बहुत प्यारा है, एंड मैं ब्रांड बताना भूल गई सूट का। तो गाइस कुछ इस तरीके से इसका दुपट्टा है, नहीं बताया तो ये लिबास ब्रांड का है। इन द प्राइस कॉस्ट इज 3999 रुपीज, यानी 1 रुपए कम 4000। लेकिन आई गेस मैंने ये बहुत कम प्राइस में खरीदा है, अंडर 2000 ही, थोड़ा सा उससे ऊपर होगा। तो मैं आपको बता दूंगी, इसका लिंक भी दे दूंगी। तो इसमें मेरा साइज अगेन स्मॉल है, एंड द नेक्स्ट सूट इज जो मुझे बहुत प्यारा लगा है, कि मैंने एक बार वियर भी कर चुकी हूँ मैं इसको। तो गाइज यहाँ पे इसके साथ देखोगे आप, उल्टा हो रखा है। तो साइज इसमें मेरा अगेन स्मॉल है, एंड ये है इसके साथ इसकी पजामी। जो इसका कलर है, आई रियली लव इसका कलर, थोड़ा सा ब्लूइश काइंड में कलर है, बहुत सुंदर। तो साथ में ये इसकी पजामी है, और कुछ इस तरीके से यू नो नॉर्मल जैसे पजामी आती है, बट द बेस्ट थिंग इज पजामी में इन्होंने नीचे इस तरीके से ना हुक दे रखा है, टिकटैक वाला, ताकि जब आपको पहनना हो और उसके बाद टाइट करना हो तो इजली हो जाए। तो मुझे ये ट्रिक जो है ये बहुत सुंदर लगी, कि मैं नॉर्मली जैसे होता है ना पजामी पन्नी डाल के पहनते हैं, या फिर हमें स्ट्रेचेबल लेनी पड़ती है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इस तरीके से मैं हुक्स लगवा सकती हूँ, कि जो मुझे पहननी है तो मैंने खोल लिया, और जो मैंने पहन ली तो मैं इसको बंद कर दूँ, है ना, अच्छी चीज़। तो ये है इसका यू नो पजामी। आफ्टर दैट इट्स अनारकली सूट, बहुत ज़्यादा सुंदर है, एंड मैं अगेन बताना चाहूँगी इसकी ब्रांड एक बार, सूट सीधा कर लूँ, क्योंकि मैंने इसे पहन के किसी फंक्शन में गई थी और मुझे बहुत पसंद आया। इसमें बेस्ट थिंग है कि इन्होंने जॉर्जेट वाली ही चीज़ यूज़ कर रखी है, तो कुछ इस तरीके का ये सूट है। एंड लुक एट दैट गाइस, पूरे पे यहाँ से ये चेस्ट वर्क को थोड़ा सा यू नो अलग से दिखा देता है लाइनिंग की वजह से। आफ्टर दैट राउंड इसका नेक है, थोड़ा सा नेक मेरे अकॉर्डिंग डीप है, क्योंकि मैं इतना डीप पहनती नहीं हूँ, तो आगे से इस तरीके से है। लेकिन अगर आपके ब्रॉड शोल्डर है तो बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। पीछे से थोड़ा सा नेक बड़ा है इसमें, एंड फुल स्लीव्स में है ये, साइड में इसकी लेस लग रखी है जैसे मैं बता रही थी, अंदर इसमें इनर है। इसको दिखा के मैं अपने टेलर से एक सूट सिलवाने वाली हूँ, यस। तो कुछ इस तरीके से है। एंड बात करें इसके घेरे की, तो ओ माय गॉड, इसमें काफी सारा घेरा है। साथ में इसके मास्क आया हुआ है, जो कि मुझे अगेन बहुत सुंदर सही लगा, एंड अंदर की साइड इसमें इनर का यूज़ कर रखा है जॉर्जेट में, जो कि बहुत सेफ रहता है। सो दिस इज माय थर्ड सूट, एंड साथ में इसका दुपट्टा है, जैसे पर्पल वाले का है ना, थोड़ा उस तरीके से दुपट्टा है सेम लेस के साथ। तो ये है मेरा थर्ड सूट, एंड अगेन मैं ब्रांड बताना भूल गई, जल्दी से आपको ब्रांड बताती हूँ। द ब्रांड कॉल इज लिबास अगेन, एंड माई साइज इज स्मॉल। प्राइस जो इसका है 4999। मेरे तीनों सूट मिंत्रा के, अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, और अगर आपको परचेज करना है डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल प्राइस हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि अगर आप मार्केट जाके सूट लेके आए तो फर्स्ट चीज़ आपको मार्केट जाने में टाइम लगेगा, वहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा, उसके बाद आप सिलाई वगैरह यू नो टेलर पर जाओगे वो अलग जाएगी, तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बेस्ट चीज़ है आप मिंत्रा से मंगा सकते हैं। सो मैं मिलती मेरी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू।